बाबा कहते हैं हर चीज की स्टेज है। अब मान लो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त लोग में थकावट होती है, नींद करने की जरूरत पड़ती है। तो बाबा कहते हैं अगर आप सोच चिंतन करके जो हमें प्रेजेंट स्टेज रखनी चाहिए उस पर पहुंच जाएंगे, तो आपको नए नए तरीके मिलेंगे। तो केवल 3-4 मिनट अगर हम पूरे शरीर अशरीरी बन के, कर्मातीत बन के, विदेही बन के अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो 3-4 मिनट में आप इतने रिफ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा मैंने 4 घंटे के लिए क्या मतलब है। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल ट्रेवल करता है और हवाई जहाज से ट्रेवल करता है, फर्क होता है उड़ती का। तो बाबा कहते हैं आप सूक्ष्म पतन का अभ्यास करो, आपको बहुत मजा आएगा। मान लो किसी को डायबिटीज की बीमारी है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर है, आप सूक्ष्म पतन पहुंच जाओ, वहां आपको ये बीमारी रहेगी। क्या ख्याल है? या किसी को मीठा खाना बंद है, आप सूक्ष्म बदन पहुंच जाओ, आप सारी मिठाइयाँ खा सकते हो, कोई असर नहीं। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसलिए आप हमको क्या करना है कि फरिश्ता रूप और सेवा भी बाबा कहते हैं हमारी अब ऐसे ही होनी। आप बोलकर किसी को कोर्स कराओ, किसी को क्लास कराओ, वो समय नहीं है। अभी भी आप देखते हैं घटता जा रहा है, तो क्या होगा? और आप बचेंगे कैसे जब दुनिया देखेगी लूट मार करने आएगी, लोग किसी की इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे, किसी का पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अनाज रखा है, हम लूटे हैं, चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से अनाज ही चोरी करके ले आओ, तो कैसे बचेंगे? तो बाबा कहता मेरा आप ये नहीं घबराओ नहीं कि क्या होगा। बाबा ने जो हमें गारंटी दे रखी है क्या के अंत में भी मैं आपको रबड़ी मलाई तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोटी हर बच्चे को मिलेगी। और बाबा कहते ये जो भी याद करते हैं कि बिल्ली के बच्चे भट्टे में बच गए थे, प्रहलाद गरम तपते हुए पिलर से बच गया था, हम वो हैं। तो बजाय अपने आप को साधारण गिन करके उस रूप को आप हमें लेना है। ऐसे नहीं, अगर इस रूप में होंगे तो बस जाएंगे, इस रूप में तो आपको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, मिठाई से भी ना करनी पड़ेगी, वो कहेंगे खाओ हलवा, नहीं सॉरी हलवे में नुकसान है या मेरे में नुकसान। अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा को अगर आप कभी देखना चाहें, मिलना चाहें, तो किस रूप में है? इस वक्त ब्रह्मा बाबा किस रूप में है? ये तो मोटा रूप है। जो चित्र आप ब्रह्मा बाबा का देख रहे हैं इस रूप में है या इससे बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन लाइट के रूप में है? तो बाबा कहता है जैसे सूर्य की रोशनी होती है, जब खूब धूप निकल आती है तो चारों तरफ रोशनी आपको महसूस होती है, गर्मी लगती है, आप धूप में 1 मिनट खड़े हो जाए तो आपको महसूस होता है, आप सूर्य की तरफ देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप सुबह के समय जब सूर्य निकलता है सूर्य को देखो तो क्या दिखाई देता है? कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, उसकी किरणें हैं जो बढ़ रही हैं, पर अंदर एक सूर्य है वो आपको दिख रहा है लाइट का। इसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त वतन में देखते हैं तो अव्यक्त वतन पहले तो है ही लाइट का, वहां आवाज तो है नहीं, फिर उसमें बहुत प्रकाशमय रूप के अंदर ब्रह्मा बाबा प्रकाशमय दिखते हैं। अच्छा, अब उनसे मुलाकात करने के लिए हमें भी वही रूप धारण करना है, जैसा देश वैसा वेश। तो हम भी अपने आप को केवल उस वक्त नहीं कि हम अब बाबा को अव्यक्त रूप में याद कर रहे हैं, अब
अव्यक्त वतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ये है फर्स्ट स्टेज। लेकिन हम यहाँ जैसे ब्रह्मा बाबा ने यहाँ अपने लास्ट दिनों में हम लोग देखते थे, वही ब्रह्मा बाबा जब बच्चों से साकार रूप में मिलते थे, सैर करवाने ले जाते थे, उंगली पकड़ते थे, गीत गाते थे, वही ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ बैठे हैं पर डिटैच हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो ऐसे लगता था ब्रह्मा बाबा कहीं और हैं। फिर वो बात थोड़ी सी करते थे, सामने लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहते। तो बाबा कहते हैं हूबहू हमको वही रूप ब्रह्मा के